एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2023 और 2023 का BMW 310 GS। ये जो बाइक आपको दिख रही है ये 2023 की बाइक है और इसमें एक अपडेट अभी आई है। अब आपको जो कलर देखने को मिल रहा है वीडियो में, ये एक नया कलर है एंड पहले इसमें दो कलर और थे, तो अभी आपको तीन कलर मिलते हैं ये बाइक में। तो आपको मैं पहले एक बार क्लोजली दिखा देता हूँ कि भाई कलर जो है वो दिखने में कैसा है। तो यहाँ पर जो आपको टैंक पे कलर दिए गए ना, ये आपको ड्यूल टन में दिए गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक आपको दिखेगा एंड ये जो पार्ट है ये रेड कलर में दिया गया है एंड बाकी जो इसका चेसी और फ्रेम है वो आपको रेड कलर में दी गई है। और पीछे अपने पास दो बाइक्स और है, उनका वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी अभी जैसे मैंने आपको बताया तीन कलर आपको अभी मिलते हैं। अगर आपको ज़्यादा कलर ऑप्शन का वेट था, इंतज़ार था, तो यहाँ पर आपको एक नया कलर और देखने को मिलता है। तो ये है नई वाली 2023 की BMW 310 GS। सामने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो बीक है, यहाँ पे जो चोंच है वो आपको रेड कलर में दी गई है। यहाँ पे रैली नाम लिखा गया है, ये रैली एडिशन है। बाकी जितने भी लाइट्स वगैरह इसमें आपको दिए जाते थे पहले भी आपको LED मिलते थे, बिकॉज इससे पहले एक मेजर अपडेट जो हुआ था ना उसके बाद में आपको जितने भी लाइट्स वगैरह थे वो सब के सब LEDs मिलना स्टार्ट हो चुके थे। एंड साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सस्पेंशन जो है ना ये आपको गोल्डन कलर में दिया गया है। ये पैनल जिसके ऊपर BMW का जो लोगो है, जिसके दाम हम देते हैं, वो यहाँ पे आपको सिल्वर कलर में दिया गया है। बाकी जो ओवरऑल कलर है आपको ज़्यादा दो ही देखने को मिलेंगे, मतलब ब्लैक और रेड का जो कॉम्बिनेशन है ना वही आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड जो डेकल्स वगैरह है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपको वाइट कलर में देखने को मिलते हैं। 310 यहाँ पे लिखा गया है और GS यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड कलर में आपको दिया गया है। एंड रैली वगैरह जो लिखा गया है वो वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन आपको दिया गया है। पीछे आपकी मैकेनिकल कुछ चेंज नहीं हुआ है, कोई फीचर्स अलग से कोई ऐड हुआ नहीं है, मतलब गाड़ी का जो इंजन था पहले भी यही था और आज भी आपको यही देखने को मिलता है। सिर्फ एंड सिर्फ जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे एक कलर है आपको नया मिलता है, मतलब आपको और एक कलर देखने को अब मिलता है। प्राइस की बात करें तो ये आपको एक्सशोरूम पड़ेगी 3.31 लैक्स रुपीज आपको एक्सशोरूम देना पड़ेगा। अगर आपको ये गाड़ी को खरीदना है और ऑन रोड प्राइस जानना है तो यहाँ पे BMW का जो शोरूम है हैदराबाद का, अगर आप हैदराबाद से हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको फिर से इसका जो टैंक है ना, ये जो पोर्शन है ये दिखा देता हूँ, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आप जब बैठोगे बाइक पे तो ये चीज़ आपको कैसा फील देगी। सो जो फेयरिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो फेयरिंग वगैरह है वो रेड एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आपको दी गई है। एंड इससे पहले एक मेजर अपडेट हुई थी जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट की गई थी, बट एक चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है कि और अपडेट की जा सकती थी, वो है इसका सिस्टम कंसोल। अब भी आपको वही डिजिटल सिस्टम कंसोल मिलता है, मतलब कलरफुल कुछ यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है जो आपको आजकल कॉम्पिटिशन्स में देखने को मिलने लग गया है। तो आपको ये कलर जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा लगा वो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आपको पूरी बाइक फिर से दिखा देता हूँ। सो देखने में काफ़ी बड़ी दिखती है, मतलब नीचे कमेंट करके बताएं कि भाई आपको ये कलर कैसा लगा। फिर से आपको बता दूं 3.31 लाख इसका एक्सशोरूम प्राइस है और कलर के अलावा, कलर स्कीम के अलावा ये बाइक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। वही इंजन है, वही फीचर्स है जो आपको पहले देखने को मिलते थे। सो ये एक अपडेट मैंने सोचा कि आपको दे दूं, बिकॉज हो सकता है कि कुछ लोग नए कलर का वेट कर रहे होंगे BMW 310 GS में, तो आपके लिए खुशखबरी है कि भाई आपको एक और नया कलर देखने को मिलता है। तो अभी आपको ओवरऑल तीन कलर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, दो करोड़ है इसमें। सो आपको ये कलर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।